हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पर कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसा कि नॉर्मली आप अपने मोबाइल से किसी के मोबाइल पर कॉल करते हो अपने नंबर से, तो आपके मोबाइल में फंक्शन दिया हुआ रहता है कि आप अपने मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, पर ये फंक्शन आपको व्हाट्सएप पर नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा सेटिंग्स को इनेबल करना होगा जिसके वजह से आपको अपने व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन मिल पाए। तो दोस्तों, बिना स्किप के आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सीधा से देखते जाओ। मेरा नाम अभिषेक और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सेटिंग्स बता दूं अपने व्हाट्सएप का। दोस्तों, यहां पे आपको मैं व्हाट्सएप का सेटिंग्स बताने से पहले एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको वीडियो के नीचे में लाल रंग की सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली इस पे जाकर के सब्सक्राइब कर देना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पे जा करके ऑल सेट कर देना होगा। दोस्तों, यहाँ पे ऑल आपको दिख रहा है, आप जल्दी से जा करके इसे ऑल सेट कर दो। उसके बाद आपको क्या कर लेना होगा, आपको यहाँ पे एक लाइक का ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने के बाद आपको शेयर कर देना होगा अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह आपको अपने ग्रुप और फ्रेंड्स को शेयर कर देना होगा। इसी तरह से दोस्तों, आपको एक कमेंट सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जाकर के कमेंट कर दो एक अच्छा सा नाइस ऑसम, या फिर आप अपना नाम भी लिख दो ताकि मैं आपका नाम पढ़ सकूं और आप एक कमेंट को लाइक और हार्ट दे सकूं। दोस्तों, इस तरह से आपको कमेंट कर देना होगा और जो भी मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों, आप व्हाट्सएप के सेटिंग्स, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है ऐप कॉल रिकॉर्डर। दोस्तों, हम सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और इसके अंदर के सेटिंग्स मैं आपको बता दूं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिलता है, तो हम सिंपली यहाँ पे नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, हम जल्दी से नेक्स्ट पे करते जाएंगे और यहाँ पे आपको एक परमिशन यहाँ पे देना होगा, हम सिंपली इसको टिक कर देते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं और यहाँ पे हमें कुछ परमिशन मांग रहा है, तो हम सिंपली इसे भी यहाँ पे दे देते हैं। तो जो भी ये परमिशन मांग रहे हैं हम इसे सिंपली यहाँ पे देते जाते हैं और यहाँ पे जो ये सर्विस इनेबल करने का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से जाकर के सर्विस को इनेबल कर देना होगा जो भी ये सर्विस मांग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ गया, तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन मोर डाउनलोडेड सर्विस, तो इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल गया जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था ऐप कॉल रिकॉर्डर। आपको सिंपली ये ऑफ है तो आपको यहाँ से इनेबल इसको कर देना होगा, मतलब कि इसे ऑन कर देना होगा, तो हम सिंपली इसको ऑन कर देते हैं और उसके बाद हम फिर से बैक जाते हैं। अब हम बैक जाते हैं और फिर से इस एप्लीकेशन पाते हैं, तो एक बार और हमें इसे परमिशन देना होगा, तो हम सिंपली फिर से इसे सर्विस इनेबल पर ऑफ, सर्विस इनेबल के ऑप्शन पर जाते हैं और इसे हम परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐप कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन, तो हम सिंपली इसको इनेबल यहाँ से कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी करेगा, टिक करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना होगा। दोस्तों, तो यहाँ पे आप सब देख रहे हो, यहाँ पे आपको टिक करके यहाँ से ओके कर देना है, तो हम सिंपली यहाँ से इसे टिक करके ओके कर दें, ये इनेबल हो गया। दोस्तों, यहाँ पे इतना आपको कर लेना होगा, उसके बाद आपको यहाँ से स्किप कर देना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप स्किप कर दो, उसके बाद जो परमिशन ये मांग रहा है हम सिंपली इसको दे देते हैं लोकेशन का परमिशन। और यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि अभी यहाँ पे कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं है, तो हम सिंपली अपने व्हाट्सएप पर जा करके एक कॉल करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कॉल रिकॉर्ड सच में करता है या फिर नहीं। तो हम सिंपली अब अपने व्हाट्सएप पर आते हैं और मैं यहाँ पर अपने ही नंबर पर कॉल करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अपने मोबाइल पर कॉल किया और इस मोबाइल पर कॉल की आगे आप सब देख सकते हो, मैं इसे सिंपली यहाँ पर रिसीव कर लिया। हेलो 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 हेलो, 5-6 सेकंड यहाँ पे हो चुका है, अब हम कॉल को कट कर दिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने उसी एप्लीकेशन में, अब देखते हैं कि सच में ये कॉल रिकॉर्ड किया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा इंटरफेस दिख गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेकंड का यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड हुआ है और मैं आपको टाइमिंग भी बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं 6 सेकंड का कॉल रिकॉर्ड हुआ है और यहाँ पे 9:08 पर ये हुआ है रिकॉर्ड। ऊपर आप सब देख सकते हो 9:09 हो रहा है, यहाँ पे 9:08 पे ये कॉल रिकॉर्ड हुआ है। अगर आप इसी को प्ले करना चाहते हो तो आप सिंपली इसी नाम पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आप सब प्ले करके देख सकते हो। हेलो 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 हेलो,
तो मैंने जैसा बोला वैसे ये रिकॉर्ड कर दिया है। और इस एप्लीकेशन का एक और खास बात मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस कर दिया इस चीज का, तो यहाँ पे आप सब देख रहे हो कि मैंने जिस नाम से WhatsApp पर सेट करके रखा है नंबर, उसी नाम से ये रिकॉर्ड में भी रिनेम कर दिया है। मतलब कि आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग ढूंढने में भी बहुत ही आसानी होगा कि किसका कॉल रिकॉर्ड है और कहाँ पे। जैसे कि कुछ कुछ एप्लीकेशन में डायरेक्ट लिस्ट दे देता है, आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन से नंबर का कौन सा रिकॉर्डिंग है, पर यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से मालूम चल जाएगा किसका कॉल रिकॉर्डिंग है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना था, तब तक ले जाए, टेक केयर।